अभी अपन ने एक वेजिटेबल डिश देखी, अब ऑयल फ्री नॉन वेज की डिश देखेंगे कि अपन चिकन बना रहे हैं। अभी गैस पे 2 मिनट के लिए मैंने ये बर्तन रखा है, अभी 2 मिनट बाद ये बेस गर्म हो गया है, अब वापस मैं फ्लेम को कम कर देता हूँ। अभी इसमें बगर की शुरुआत अपन जीरा से करेंगे। अभी देखिए ये जीरा पॉप होने लगा है इसमें, और इसमें अब प्याज डाल दीजिए। रेगुलर प्याज आप जैसा तेल में डाल के इसको हिलाते हैं वैसे इसको हिलाइए, ऐसा समझ लीजिए कि आपने तेल डाला हुआ है। अभी ये प्याज देखेंगे जैसा तेल में डालने के बाद प्याज ब्राउन होता है वैसे ये प्याज ब्राउन हो गया। ये नीचे जो लगा हुआ है ये जला हुआ नहीं रहता, ये इसका कलर रहता है, इसमें आप पानी डालते थे ये पूरा निकल के वापस इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी इसमें कटा हुआ टमाटर डालते हैं। और इसमें ये मिक्सर में निकाला हुआ मसाला आप जो रेगुलर चिकन के लिए यूज करते हैं वो कोई भी मसाला आप जो हमेशा डालते हैं वो डाल सकते हैं। अब ये मसाले में जब आप ड्राई मसाले डालेंगे कोई भी तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना पड़ेगा। इसका टेक्सचर इतना ही होना चाहिए, ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वो मसाले एब्सॉर्ब करने, मसाले डालने के बाद वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। नमक इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
मसाले को चिकन को इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये चिकन अगर आप पहले से थोड़ा हल्दी और नींबू लगा के दही लगा के मैरिनेट करेंगे तो और अच्छी तरह से इसकी टेस्ट बढ़ जाती है, और अगर आपने मैरिनेट नहीं किया होगा तो ऊपर से थोड़ा नींबू या दही डालिए। चिकन बनाया था वो आप देखिए, इसको गैस पे से निकालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपन ने पकने के लिए रखा था। इसके थर्मो इनकैप्सुलेशन पे की जो हीट है उस पे ये पक गया है। अभी इसका टेक्सचर देखिए, ये ड्राई चिकन बनाया अपन ने। मैं ये एक टुकड़ा निकाल के बताता हूँ, ये देखिए इसका जो टेंडरनेस देखिए, ये बिल्कुल पक गया पूरी तरह से, एक बूंद भी ऑयल डाला नहीं अपन ने। अब इसके जरा टेस्ट देखिए, इसके मसाले के भी करी के भी टेस्ट देंगे। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, टेस्ट देखना। सर बनाते हैं और मैं टेस्ट देखती हूँ। तो अभी इसके स्मेल से स्टार्ट करते हैं। पूरे मसालों का स्मेल तो बहुत अच्छे से आ रहा है इसके अंदर में। इसका काफ़ी सकुलेंट है, काफ़ी सॉफ्ट इसका बना हुआ है, अच्छे से पक गया है। अभी टेस्ट देखते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, आप बोल नहीं सकेंगे कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। एक्चुअली इसमें जो उसका नेचुरल ऑयल है वो अगर आप देख सकते हैं वीडियो में, तो ऊपर से ये आपको शाइनी दिख रहा है, इसका नेचुरल ऑयल छूटा है। इसके वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ है, और सारे मसालों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है। अनियन का फ्लेवर आ रहा है मुझे, गरम मसाले का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर में, टमाटर का भी फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर में, और इन्होंने जो दही डाला था उससे थोड़ा सा खटास आया है। तो एकदम परफेक्ट ब्लेंडेड चिकन ये बना हुआ है। तो आप, आई होप कि आप भी ये घर पे ट्राई करें, ये बर्तनों में ये ट्राई करें, और देखिए कि हाउ यू कैन स्टे हेल्दी विदाउट एनी ऑयल।